जब आप सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो अस्पताल आपको अक्सर पूछता है कि आप कौन सा लेंस लगवाएंगे, तथा आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यह आपकी लाइन नहीं है तथा आपको पता नहीं होता कि कौन सा लेंस लगवाया जाए। इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लेंस लगता क्यों है और उसके बाद हम बताएंगे कि लेंस कौन सा उचित रहेगा। तो लेंस आँख में एक सफ़ेद मोतिया नाम का रोग होता है, इसमें कि आँख का प्राकृतिक लेंस में धुंधलापन आ जाता है जिस कारण से दिखना कम हो जाता है, और इसी कारण से फिर इस लेंस को किरणों द्वारा हटा दिया जाता है प्राकृतिक लेंस को, तथा इसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है जिसे कि इंट्रा ऑकुलर लेंस बोलते हैं। कुछ अकेले दूर वाले होते हैं, कुछ दूर पास दोनों वाले होते हैं, तथा कुछ दूर पास बीच तीनों वाले होते हैं। जो दूर वाले लेंस होते हैं इन्हें मोनोफोकल लेंस कहते हैं, तथा प्रमुखतया दूर के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा ठीक रहते हैं जिन्होंने के नज़दीक का काम नहीं करना होता, जैसे पढ़ाई लिखाई या किसी प्रकार की दस्तकारी, और नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है। कुछ लेंस दूर पास बीच तीनों के होते हैं, मल्टीफोकल लेंस, ट्राईफोकल लेंस। इन लेंसों से दूर पास की दृष्टि अच्छी बनती है, लेकिन कभी कभी कंट्रास्ट तथा ग्लेयर की समस्या हो सकती है जिस कारण से नाइट विज़न में प्रॉब्लम आ सकती है, नाइट ड्राइविंग में, खासतौर से यदि लंबे समय के लिए नाइट ड्राइविंग करनी है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी प्रकार एक EDOF लेंस हैं जो कि एक नए ही आए हैं, और इनमें प्रमुखतया ये दूर के होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट दृष्टि भी इनमें अच्छी बनती है। आजकल इंटरमीडिएट दृष्टि का काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप आदि देखने में, लेकिन ज़्यादा पास के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर नंबर कम होता है। इसके अलावा कुछ लोगों की आँख का कॉर्निया टेढ़ा होता है और उनको टोरिक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो टोरिक लेंस भी मोनोफोकल, मल्टीफोकल तथा EDOF में होते हैं। तो आपके लिए कौन सा उचित लेंस रहेगा यह तीन बातों पर निर्भर करता है। एक, आपकी आँख की जो मेज़रमेंट्स हैं अर्थात केराटोमेट्री रीडिंग है और वो क्या कहती है। सेकेंडली, आपकी ज़रूरतें क्या क्या है। तीसरे नंबर पर आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, क्योंकि हर प्रकार के लेंसेज में कीमत का भी काफ़ी फर्क आ जाता है। परंतु फिर भी यह मान के चलें कि कोई भी लेंस हो जो आपकी 20 साल की उम्र में निगाह थी उसका अक्सर मुकाबला नहीं कर पाता, तथा किसी भी लेंस में हल्के थोड़े चश्मे की जरूरत भी पड़ सकती है। धन्यवाद। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।